दोस्तों, रियलमी ने फाइनली अपना पिटारा खोल ही दिया है। रियलमी ने आज काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आज यानी कि 25 मई को काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो कौन कौन से ये प्रोडक्ट हैं और कौन से जो प्रोडक्ट हैं जो इनमें से आज ही ऑनलाइन बिकने स्टार्ट हो गए हैं और इनमें से कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो कुछ दिन के बाद बिकने स्टार्ट होंगे, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे पे जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियलमी के पावर बैंक के बारे में। पावर बैंक को आज ही लॉन्च किया गया है और ये जो पावर बैंक है ये आपको 10,000 mAh का पावर बैंक मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो 999 रुपये रखा गया है और कंपनी दावा कर रही है कि इस पावर बैंक में आपको 18 वोट का फास्ट चार्जर मिलेगा, जो कि आपका जो पावर बैंक है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चार्ज हो जाएगा। और ये पावर बैंक दो कलर के अंदर अवेलेबल किया गया है, ब्लैक और येलो कलर के अंदर। तो जल्दी ही ये पावर बैंक फ्लिपकार्ट और रियलमी का जो स्टोर है उस पर अवेलेबल हो जाएगा। आज 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद आप इसे खरीद सकते हैं। और कंपनी ये भी कह रही है कि जल्दी ही इन्हें ऑफलाइन स्टोर पर भी आपको अवेलेबल करा देगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों रियलमी के स्मार्ट टीवी के बारे में। ये भी आज ही लॉन्च किया गया है। तो ये दो वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है, 32 इंच और 43 इंच। तो इसकी शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है, यानी कि जो 32 इंच का है उसकी कीमत 12,999 रुपये रखी गई है और जो 43 इंच का है उसकी कीमत 21,999 रुपये रखी गई है। तो मैं बता देता हूँ इस टीवी के अंदर आपको क्या क्या खास चीज़ें मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको MediaTek MSD6683 का प्रोसेसर मिलेगा और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर मिलेंगे जो कि 24 वॉट के साथ आएंगे। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर पर अवेलेबल करवाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो 32 इंच का स्क्रीन का टीवी है उसके अंदर आपको 720p की यानी कि HD की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और जो 43 इंच का है उसके अंदर आपको फुल HD यानी कि 1080p की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। तो इनके अंदर आप गूगल प्ले, Amazon प्राइम वीडियो, YouTube ये सभी चला सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इनके अंदर इंस्टॉल आएंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस स्क्रीन के अंदर आपको जो ब्राइटनेस है वो 400 nits की ब्राइटनेस दी गई है और इसके साथ साथ HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है। और इस टीवी के अंदर आपको 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज इंक्लूडेड दी गई है। इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया गया है और जो ऑडियो है वो डॉल्बी ऑडियो का इस्तेमाल किया गया है। तो ये टीवी आज से ऑनलाइन बिकना स्टार्ट नहीं होगा। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 2 जून से ये ऑनलाइन बिकना स्टार्ट होगा। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में भी जल्दी ही कंपनी कुछ दिन के बाद इसे लॉन्च कर देगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रियलमी वॉच के बारे में। ये भी आज ही लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर आपको 1.4 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और प्रोटेक्शन की बात करें तो 2.5D कोरिना गोरिल्ला ग्लास 3 का इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अंदर जो फेस है वो 12 फेस दिए गए हैं, तो अलग अलग डिजाइन में आप इसे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर 14 स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार किसी भी मोड को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें सेंसर की तो इसके अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर और PPG सेंसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 160 mAh की बैटरी है, जिसमें कंपनी दावा कर रही है कि आपको 9 दिन का ये बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। और अगर हम बात करें इसकी कॉल की तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि कंपनी ने इसमें जो कॉलिंग है उसको आप रिजेक्ट और म्यूट तो कर सकते हैं लेकिन कॉलिंग को आप उठा नहीं सकते हैं, ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, इसका जो प्राइस है वो 3,999 रुपये रखा गया है, जो कि आप फ्लिपकार्ट या फिर रियलमी की स्टोर पे जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो रियलमी वॉच है ये भी आज से ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होगी। ये वॉच 5 जून से ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों रियलमी ने अपने रियलमी एयर न्यू ईयरबड्स को भी आज ही लॉन्च किया है। तो इस ईयरबड्स के अंदर आपको 3 कलर मिलेंगे, ब्लैक, वाइट और रेड कलर, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगते हैं।
इसके अंदर आपको 5.0 का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। और अगर इसके प्ले टाइम की बात की जाए तो इसमें सिंगल चार्ज के अंदर आपको 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। और अगर आप चार्जिंग केस के साथ इसे यूज करते हैं तो इसके अंदर आपको 17 घंटे का बैकअप मिलता है। और इसे चार्ज करने के लिए USB टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। ये एक टच कंट्रोल के साथ आती है जिसमें आप म्यूजिक को टच के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक आगे होता है और ट्रिपल टैप करेंगे तो म्यूजिक पीछे होता है। तो ये फंक्शन इसके अंदर काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इसके अलावा इसका जो वजन है वो 4.1 ग्राम है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये जो ईयरबड्स हैं ये आपको 2,999 रुपये में फ्लिपकार्ट और रियलमी के स्टोर पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इन्हें फिलहाल खरीद सकते हैं। तो ये तो थे दोस्तों रियलमी के आज लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट। इसके अलावा मैं आपको रियलमी के एक फ़ोन के बारे में बता देता हूँ जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होकर सामने आई है। रियलमी का आने वाला नया मोबाइल जो रियलमी X3 सुपर जो मोबाइल है उसकी कुछ जानकारी हमें मिली है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मोबाइल के अंदर आपको 6.6 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलेगी जो कि 120Hz पर काम करेगी। इसके अलावा इसके अंदर जो कैमरा है वो आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलेगा जिसके साथ आपको 8, 8 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे भी साथ में मिलेंगे। सेल्फी का कैमरा जो आपको मिलेगा वो 32 मेगापिक्सल का इसमें मिलने जा रहा है। बैटरी इसकी आपको 4200mAh की मिलेगी और जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा इसके अंदर माउंटेड फिंगर जो प्रिंट है वो माउंटेड दिया जाएगा जो कि साइड में आजकल सभी मोबाइलों में दिया जा रहा है उसी प्रकार से दिया जाएगा। तो इसका इवेंट 26 मई को यानी कि कल इसका इवेंट दिन में 2 बजे होगा। तो अगर आप इसका इवेंट देखना चाहते हैं तो YouTube या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जहां पर इसकी स्ट्रीमिंग की जाएगी वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की टेक न्यूज़। अगर आपको हमारी टेक न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।